जय हिंद दोस्तों, मैं मंगेश पवार, पवार मिलिट्री करियर एकेडमी रेड़वा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज आप सभी के लिए मैं महाराष्ट्र में जो भी आर्मी रैली होने वाली है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि आज महाराष्ट्र में जितने भी ERO यानि पुणे, मुंबई, कोल्हापुर, नागपुर, औरंगाबाद, इन सब और सब ERO जो भी है इन सब में आर्मी भर्ती निकल चुकी है। लेकिन ये भर्ती किन अभ्यर्थियों के लिए है इसके बारे में बहुत से अभ्यर्थी ये जो भी टाइम टेबल जैसा कि आप डिस्प्ले पर भी देख सकते हो बहुत कंफ्यूज है बच्चे। तो इन सब बच्चों को मैं आज उनकी जो भी डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, ठीक है। मेरा आपको जानकारी देने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, इससे क्या होगा कि आने वाली आर्मी भर्ती की जो भी सही जानकारी होगी वो आप तक वक्त पर नहीं पहुंचेंगी। अगर जानकारी वक्त पर नहीं पहुंची तो आपका नुकसान भी हो सकता है, इसलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ठीक है। तो जैसा कि हम देख सकते हो इसमें दिखाया गया है कि इंडियन आर्मी रैली नोटिफिकेशन 2020-21 रिक्रूटमेंट ऑफिस HQ पुणे, ठीक है। आप ये जो भी अभी मैंने पढ़ा हो आप इस देख सकते हो, ठीक है। इस आर्मी रिक्रूटमेंट रैली फॉर सोफिया फार्मा फॉर मेन एट कोल्हापुर फ्रॉम 5 मार्च 2021 से 24 मार्च 2021, ठीक है। जो भी ये रैली है ना दोस्तों, ये रैली पूरे महाराष्ट्र के लिए है। पूरे महाराष्ट्र के लिए रैली जो होने वाली है वो कहाँ पर होंगी वो भी नीचे दिया गया है। सो हम आगे भी बढ़ते हैं। तो पहले ये आपको बता देना चाहता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र के जो भी अभ्यर्थी जिनका डी फार्म कंप्लीट हुआ है उनके लिए ये रैली है, ठीक है। उन अभ्यर्थियों को 5 मार्च 2021 से 24 मार्च 2021 को उनकी रैली होगी। और रैली कहाँ पर होगी वो नीचे दिया गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रैली इन सभी सभी बच्चों की रैली जो है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर होंगे आप सबकी की रैली? शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में। कोल्हापुर ERO की आर्मी की रैली वो भी निकल चुकी है और बाकी ERO के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए। लेकिन कौन से अभ्यर्थी? जो अभ्यर्थी जिनका डी फार्म हो चुका है उनके लिए ये रैली होने वाली है, ठीक है। उन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म जो भी है ऑनलाइन फॉर्म इसमें जैसा दिखाया गया है आप देख सकते हो 28 जनवरी, ठीक है, 28 जनवरी 2021 से 26 फरवरी 2021 के बीच में आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने होंगे, ठीक है। ये भर्ती सोफिया फार्मा जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। सोफिया फार्मा के लिए ये भर्ती है। इसमें हर ERO के जो भी बच्चे होंगे उनके लिए ये रैली होने वाली है, ठीक है। ये रैली कहाँ होगी नीचे दिया गया है आपको, तो ऐसे ही मैंने बता दिया है कि ये रैली शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र में होगी, ठीक है। अदर स्टेट के बच्चे इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। और अब आपको मिलेंगी सही जानकारी, ठीक है। देखो इसमें जो पोस्ट दी गई है वो है सोफिया फार्मा, ठीक है। जो इनके लिए एज रखी गई है 19 वर्ष से 25 वर्ष तक, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों का 1 अक्टूबर 1995 से 30 सितंबर 2001 के बीच में जैसा कि यहाँ दिया गया है, जो इनके बीच में जिन अभ्यर्थियों का जन्म हुआ है वो बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। इनके लिए हाइट 167 सेंटीमीटर, इनका वेट 50 सेंटीमीटर और चेस्ट तो आप देख भी सकते हो 77 सेंटीमीटर नॉर्मल और आपको 5 सेंटीमीटर फुगानी पड़ती है।
और इसमें जो भी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है वो आप देख सकते हो। इसमें बच्चा डी फार्म उसका पूरा हो चुका हो, डी फार्मसी जिसके पास भी है उन बच्चों को ही ये भर्ती चलेगी, अदरवाइज बाकी के बच्चे इस भर्ती में भाग नहीं ले सकते। आप सभी से निवेदन है कि कंफ्यूज मत हुआ करो आप, क्योंकि हर यानी मुंबई, कोल्हापुर, नागपुर, औरंगाबाद जो भी और पुणे, इन जो इन सब यारों में जो रैली निकली है उन सब रैली अभी जो सिर्फ कोल्हापुर यारों की ही रैली डिक्लेयर है महाराष्ट्र में, बाकी के यारों की रैली यानी सोल्जर जीडी के लिए, सोल्जर ट्रेड्समैन, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लार्क्स और सोल्जर टेक्निकल, तो इन सब अभ्यर्थियों की रैली बहुत ही जल्द आने वाली है। अभी कुछ ही दिनों में, आने वाले 15 दिनों में महाराष्ट्र के औरंगाबाद यारों और महाराष्ट्र के मुंबई यारों की रैली बहुत ही जल्द आने वाली है। तो दोस्तों आप तैयारी जारी रखना, अगर आपको तैयारी करनी होगी तो आप हमारे अकेडमी में दिए गए नंबरों पर संपर्क कर तैयारी कर सकते हो। आपका 100% सिलेक्शन हम ज़रूर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होगी, ठीक है। जैसा इसमें दिखाया गया है कि एसटी कैटेगरी के लिए भी जो हाइट में छूट है, ये देख सकते हो आप, एसटी कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 162 सेंटीमीटर ही हाइट है, ठीक है, उनको चेस्ट में भी छूट नहीं मिलेंगी चेस्ट में, लेकिन वेट में उनको 2 किलो का छूट दिया गया है बस, बाकी इसमें कोई भी जानकारी ऐसी नहीं। जो भी फिजिकल होगा इन अभ्यर्थियों का, तो फिजिकल आप देख सकते हो फिजिकल सेम ही दिया गया है जैसा कि आर्मी में रहता है, ठीक है, इसलिए फिजिकल के जैसा 5 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को फर्स्ट ग्रुप में लिया जाएगा, ठीक है, और 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी को सेकंड ग्रुप में लिया जाएगा, जिसके लिए 48 मार्क्स उनको दिए जाएंगे। और इसमें पुलअप्स भी, पुलअप्स का कॉलम यहाँ दिया गया है, आप अच्छी तरह से देख लेना, आपको फिट डिस्ट और झिकझाक ये सब क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी इसमें कोई जानकारी तो नहीं है। आप अपने जो भी, आप जिस भी यारों से संबंध रखते हैं उस यारों का जो भी ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको www.joinindianarmy, ठीक है, www.joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट पर आपको ये आपके हर एआरओ का पीडीएफ मिल जाएगा। आप वो पीडीएफ अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। जिन बच्चों का पिछले साल सेना में यानि वो लिखित परीक्षा फेल हो चुके हैं और किसी एजेंट दलाल के पीछे दौड़कर बहुत से बच्चे लगते हैं तो फेल हो जाते हैं, तो ऐसे किसी भी एजेंट दलाल के पीछे ना दौड़े। अगर आपको तैयारी करनी होगी, आप बार बार एग्ज़ाम में फेल होते होंगे, तो आप हमारे एकेडमी से एक बार संपर्क ज़रूर करें, जिससे आपका 100% सेना में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद।